नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक। टुडे आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज ऑफ लेसन सेकंड। दिस लेसन नेम इज द एंड एंड द किकिंग ऑफ क्लास 5। स्टूडेंट्स, आई गिव सम होमवर्क। आई रिमेंबर दैट कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3 होमवर्क में दिया था। आई होप कि कुछ बच्चों ने कंप्लीट भी किया होगा। दोज आर कंप्लीट देयर वर्क, इट्स वेरी गुड। दोज आर नॉट कंप्लीटेड, प्लीज नोट डाउन एंड ट्राई टू कंप्लीट योर होमवर्क नेक्स्ट टाइम। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में कुछ फिलिंग दी, इस पोएम की कुछ लाइन्स दी गई हैं जिसमें कुछ वर्ड्स ब्लैंक हैं, आपको वो फील करना है। His was empty and winter was come. His cupboard was empty and winter was come. इस ये बहुत ही ईजिली आपको आपके बुक में मिल जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ मैंशन कर दिया है, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, यानी अनाज का एक दाना भी उसने नहीं ढूंढा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नेक्स्ट, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ऑफ वॉट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। ये कुछ पोएम की लाइन्स है, ये आपको लाइन बाई लाइन ही मिल जाएंगी इजली। फिर भी मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। स्टूडेंट्स प्लीज, आप इसे अपने नोटबुक पे नीट एंड क्लीन तरीके से मैंशन करिएगा, अपने नोटबुक बनाते रहिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपने नोटबुक हमें यूट्यूब पे चेक कराते रहिएगा, शो करते रहिएगा। एक्सरसाइज सी, डू यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ द पोएम। इफ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड, कि अगर आप बिना कार्य के बिना काम किए रहोगे तो आपको बिना भोजन के रहना पड़ सकता है। क्या आप इस लाइन से सहमत हैं? यस, आई एग्री विद दिस लाइन, मैं तो एग्री हूँ। इफ अ पर्सन डज नॉट वर्क ही विल नॉट गेट फूड और एनीथिंग, अगर व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो उसे भोजन या अन्यथा और भी कोई चीजें नहीं मिल सकती। एवरीवन शुड, ही विल नॉट गेट फूड और एनीथिंग, एवरीवन शुड वर्क हार्ड फॉर देयर बेटर लाइफ। हर व्यक्ति को अपने बेहतर जीवन के लिए कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। ये आपका पेज नंबर 14 पे था स्टूडेंट्स, ये आपके जो एक्सरसाइज थे ये पेज नंबर 14 पे थे। आप अपना पेज नंबर 14 निकालेंगे तो इसलिए आपको ये दोनों एक्सरसाइज बी और सी मिल जाएगा। एंड टेक आउट एक्सरसाइज डी, पेज नंबर 15। आई मेंशन हियर पेज नंबर 15, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, रीड दिस सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। नाउ पिक आउट द मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और जो भी सेंटेंस दिए गए हैं एक्सरसाइज डी में पेज नंबर 15, आपको उसमें से मेन वर्ब निकालना है। स्टूडेंट्स एज यू आर गोइंग वेरी वेल कि मेन, व्हाट इज मेन वर्ब एंड व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वाज वेयर, ये सब जो वर्ब के मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं, ठीक है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब होता है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा कार्य किया जाता है, किया हुआ कार्य जो होता है वो मेन वर्ब होता है। जैसे अ यंग मैन वाज टेलिंग अ जोक, अ यंग मैन, व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, जो बताया गया, कहा गया, तो उसका काम क्या है, जोक को कहना, कहना उसका वर्क है, ठीक है। और मेन वर्ब के ठीक पहले वॉज है, तो वॉज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये सारी चीजें हम आपको जो भी लैंग्वेज के वीडियोज होंगे उसमें बताया जाएगा। फर्स्टली यू मेंशन हियर टेलिंग, सेकेंड है सी विल कम हियर इन टाइम, वाह यहाँ टाइम पर आ जाएगा, उसका काम क्या है, आना, कम। थर्ड है दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, उसने सच कहा, काम क्या था उसका, कहना। फोर्थ द डॉक्टर हैज सीन द पेशेंट, डॉक्टर का वर्क क्या था, इसमें वर्क क्या है, सीन, डॉक्टर ने पेशेंट को देख लिया। अ बोट, फिफ्थ, अ बोट वॉज सेलिंग इन द रिवर,
जो नाव है वह रिवर पर जल यात्रा कर रही है। इसमें काम क्या है? सेलिंग करना यानी यात्रा करना। सिक्स, वी आर गोइंग टू सी अ फिल्म। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, वी आर गोइंग टू सी अ फिल्म, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें हमारा दो मेन वर्ब है। पहला मेन वर्ब क्या है? वी आर गोइंग जाना, और दूसरा क्या है? टू सी अ फिल्म, फिल्म को देखना। तो यहाँ पे आप दो मेन वर्ब नोट डाउन करेंगे, जाना और देखना। हम सब पिक्चर देखने जा रहे हैं, जाना भी हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, और पिक्चर देखना भी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आपको दो मेन वर्ब मिलेंगे, गोइंग एंड सी। सेवन, आई शैल मीट यू सून, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। काम क्या है? वर्ब। और एक्शन वर्ब जो होता है, कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है वही वर्ब होता है। जो भी जिस भी वर्ड से हमें कार्य के होने का प्रतीत होता है वर्ब होता है। एट, द इंजीनियर हैज एडवाइज्ड अगेंस्ट मेकिंग अ हाउस हियर। यहाँ पे इंजीनियर का वर्ब क्या है? एडवाइज्ड। व्हाट इट इफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई दिक्कत हो प्लीज आस्क मी अगेन। एक्सरसाइज ई, इन द अबव पोएम यू हैव थ्री वर्ब्स विद अपोजिट वैल्यू, कैन यू ऐड द वर्ब्स विद अपोजिट वैल्यू टू बी फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ब यानी कुछ एक्शन वर्ब दिए गए हैं, जिसको एक्शन वर्ड दिए गए हैं जिसको आपका अपोजिट बताना है। जैसे कम, कम का अपोजिट है गो, कम मीन्स खाना, गो मीन्स जाना। प्रेज यानी प्रशंसा करना, कॉन्टेंट यानी निंदा करना। थर्ड, स्टैंड खड़े होना, सिट मीन्स बैठ जाना। आस्क मीन्स पूछना, आंसर मीन्स बताना। बाय मीन्स खरीदना, शेयर मीन्स बेचना। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाना, रिस्टोर मीन्स पुनः स्थापित करना। फेल मीन्स असफल, पास मीन्स सफल। लव मीन्स हंसना, क्राई मीन्स रोना। ब्रिंग मीन्स लाना, ड्रॉप मीन्स जाना, छोड़ना। स्लिप मीन्स सोना, बैकअप मीन्स उठना। अलाउ मीन्स स्वीकृति देना, डैनी मीन्स मना करना। अराइव मीन्स पहुंचना, डिपार्चर मीन्स अराइव मीन्स आना, पहुंचने का टाइम, और डिपार्चर मीन्स होता है जाने का टाइम। कैच मीन्स पकड़ना, रिलीज मीन्स छोड़ना। डाई मीन्स मरना, लीव मीन्स जीवित। ग्रीव मीन्स होता है दुखी, और रिजॉयस मीन्स होता है खुशी देना या खुश होना, आनंदित करना। अपोज मीन्स विरोध, एंड फेवर मीन्स होता है पक्ष लेना साथ में। सो स्टूडेंट्स, योर लेसन सेकेंड एंड ऑल एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन सेकेंड इज कंप्लीटेड टूडे। And exercise F and G is nothing. It's a very easy. You should try to do by yourself. In next video, I will teach you, and I will meet with next chapter 3. That's all. Have a good day.